City Live, a platform to sharing your thoughts. नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है और आप इस समय देख रहे हैं आपकी बात हमारे साथ। आज हम जिस पर्सनालिटी से बात करने जा रहे हैं उनसे पहले मैं आपको दो लाइनें कहना चाहूंगा। वो लाइनें उनके लिए इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि जीवन में जब खुशियों का सैलाब उमड़ने लगता है या इंसान गमों के साए के करीब जाता रहता है तो उसे हास्य की जरूरत होती है, उसे कॉमेडी की जरूरत होती है, उसे व्यंग की जरूरत होती है। और जो हमारे साथ आज जुड़े हैं वो आपको हमको कई सालों से लगातार हंसा रहे हैं, चाहे गम हो चाहे खुशी हो, हर वक्त उनका जो काम है वो हंसाने का है। जी हाँ, आप हैं अनुकल्प गोस्वामी जो कि स्क्रिप्ट राइटर हैं और डायलॉग राइटर हैं। आपने इनके लिखे हुए कई डायलॉग लगातार सुने भी होंगे और लगातार आप सुनते भी रहते हैं, चाहे वो छोटा पर्दा हो या बड़ा पर्दा हो। जी हाँ, सिटी लाइव के सभी दर्शकों को नमस्कार। जी अनुकल्प जी, स्वागत है आपका। मैं ये कहना चाह रहा था कि चाहे कपिल शर्मा शो हो, छोटे पर्दे में जाएं या हम बड़े पर्दे में जाएं, किस किस को प्यार करूं, क्योंकि आपकी आदत प्यार करने की है तो आप लिखते भी उसी में बहुत अच्छा होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आज आप हमारे सिटी लाइव कार्यक्रम से जुड़े हैं और हमारे लिए गर्व की बात यह भी है कि आप विशेष रूप से जयपुर से जुड़े हैं, राजस्थान से जुड़े हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सबसे पहले अनुकल्प हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जयपुर से मुंबई तक की जो यात्रा है वो कैसे रही आपकी, क्योंकि करीब 20 साल हो गए आपको मुंबई में रहते हो। जी जी बिल्कुल, 20 साल हो गए और मैं 14 फरवरी को आया था, वैलेंटाइन डे 14 फरवरी, तो मेरी लाइफ में कोई प्यार था नहीं सर। जी जी हाँ, मेरे लाइफ में कोई ऐसा कोई प्यार था नहीं, कोई गर्लफ्रेंड थी नहीं, मेरा प्यार बॉलीवुड ही था। तो मैंने वही दिन चुना कि मैंने चलो आज ही 14 फरवरी को मुंबई चलते हैं, वो दिन याद रहेगा और इस शहर से और बॉलीवुड से मतलब बचपन से प्यार रहा, तो उसी दिन को मैंने चुना मुंबई आने के लिए। और मैं 14 फरवरी 2000 को आ गया था क्योंकि उस दिन से आंकड़े भी बदल रहे थे सारे, उसमें ज्योतिष के हिसाब से भी कि 19 वाला फिगर खत्म हो रहा था, 2 वाला नया सीरीज शुरू हो रही थी। मैंने कहा अब निकल चलो भाई, तो फिर मैं 2004 में आ गया था। और आने के बाद वही है कि समझ में नहीं आया कि क्या करें, जैसे था कि थिएटर में सब कुछ कर लेता था जयपुर में जब था, कि आपने प्ले भी लिख लिया, आपने डायरेक्ट भी कर लिया, एक्टिंग भी कर ली, तो यहाँ आके सब चीज के लिए मैं ओपन था। मैंने कहा जो काम मिलेगा वो मैं कर लूंगा और फिर डेस्टिनी को मंजूर था कि आप, मैं राइटिंग में आ गया। जी, तो कपिल शर्मा शो में आपकी एंट्री कॉमेडी स्क्रिप्ट राइटर के रूप में हुई, उससे पहले भी आपने दूरदर्शन के लिए भी स्क्रिप्ट लिखी है लेकिन वो अलग तरह की स्क्रिप्ट थी। कॉमेडी में किस तरह से आपका आना हुआ? सर कॉमेडी का मेरा इत्तेफाक ऐसा था, जैसे शुरू में मैं एक्टिंग ही करना चाहता था, तो मेरा तो उस वक्त जब मैं आया था 2000 में, उस वक्त माइथोलॉजिकल सीरियल में बड़े लोगों की वो होती थी कि आप जाओगे और आपको काम मिल जाएगा माइथोलॉजी में, तो इतनी कास्टिंग होती है वहां पर, इतने मतलब कि कितने कैरेक्टर रोज निकलते हैं। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड है धीरज सरना, हम दोनों वहां पर गए और उसकी जो थी बॉडी बहुत अच्छी थी, वो मतलब 75-80 किलो का उसका वेट था और मैं था 59 kg का। तो फिर हम लोग काम मांगने के गए, पतला दुबला था, तो वहां पर मेरे दोस्त को तो बोल दिया कि आपको तो काम मिल जाएगा, आपकी बॉडी अच्छी है ये है, और मुझे मना किया, बोले यार आप 59 के आपको क्या ले, हमारे तो बड़े भारी बॉडी शिल्डर लोग आते हैं। तो मैंने कहा भैया कोई बीमार ऋषि का करो लोगो दे दो भाई 59 में। तो उसने मुझे कहा कि आप कॉमेडी करो भाई, तो वहां से मेरे को थोड़ा सा कॉमेडी, मैंने कहा चलो कॉमेडी कर लेते हैं। मुझे एक जगह कहीं जरूरत थी स्क्रिप्ट राइटिंग की, सुपरहिट मुकाबला शो था, उसमें कुछ कॉमेडी लिखना था मिमिक्री बेस्ड, तो मिमिक्री मैं स्कूल कॉलेज से करता था, तो मैंने स्क्रिप्ट लिखी और वैसे ही प्रेजेंट कर दी कि अशोक कुमार कैसे बोलेंगे, असरानी कैसे बोलेंगे, और मुझे वो स्क्रिप्ट मेरी पास हो गई। तो वहां से मेरा राइटिंग का सिलसिला शुरू हो गया और कॉमेडी का सिलसिला भी वहां से शुरू हुआ लिखने का। लेकिन उसके तुरंत बाद ही मुझे क्या वो पता चला कि बालाजी में अभी काम अच्छा चल रहा है, तो मैं बालाजी टेलीफिल्म्स में आ गया और बालाजी टेलीफिल्म्स में उस वक्त कहानी घर घर की शुरू ही हुआ था, तो उसके कैरेक्टर के सारे जो नाम थे वो भी मैंने दिए थे और मेरे साथ डीएम व्यास जी थे सीनियर राइटर, बल्कि मैं उनके साथ था, तो हमने मिलकर के पूरा एक कैरेक्टर बनाए थे सारे। पर बहुत जल्दी हम उस शो से निकल के दूसरे शो में चले गए, फिर मैं कुसुम में आ गया, कुसुम की 4-5 शादियों में मेरा भी योगदान है,
उसमें इतनी शादियां हुई थी कुसुम की, एक के बाद एक के बाद, जी क्योंकि तो आगे बढ़ाने थे एपिसोड। तो उसके बाद जी निकल के मैं गोविंदा के साथ आ गया छप्पर फाड़ के। मैं गोविंदा का नया नया शो शुरू हुआ था तो उसमें उसको कॉमेडी जोक्स वगैरह चाहिए थे, तो मैं गोविंदा के लिए लिखा, बीच में साजिद खान के लिए लिखा। फिर उसके बाद मैं आ गया जॉनी लीवर के साथ, जॉनी भाई का शो आ रहा था जॉनी अलारे, उनके साथ जी कॉमेडी लिखी, बहुत लिखी उनके साथ। फिर असली फिर मैं 2012 में और 13 में मैं उस वक्त कर रहा था, बच्चन साहब के लिए एक सीरियल आया था टीवी पे युद्ध, तो मैं युद्ध के जी डायलॉग कर रहा था। तो उसी दौरान युद्ध करते करते मेरे पास आया कि कपिल शर्मा शो शुरू हुआ है और वो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के नाम से शुरू हुआ था, और उससे पहले मैं भी कॉमेडी सर्कस लिख रहा था बीच बीच में, तो उन्होंने मुझे जी बुलाया उस शो के लिए, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के लिए। ये है 2013 की बात, जी 13 सितंबर, और तब से लेकर के मैं कपिल के साथ कंटिन्यू हूँ, और सबसे ज्यादा जी जी एपिसोड भी मैंने कपिल शर्मा के मैंने लिखे हैं। अनुकल्प, हम यहां पर, मैं आपकी बायोग्राफी देख रहा था, उसमें आपने कॉमेडी में भी लिखी है, लेकिन एक मैं कहीं देख रहा था कि एक सीरियल था, कोई म्यूजिक डांस का था, म्यूजिक शो था कोई, शायद दूरदर्शन का हाँ था, उसमें भी आपने स्क्रिप्ट लिखी, तो उसमें भी क्या कॉमेडी डाली थी आपने डांस के अंदर भी, या क्या किया था? हाँ उसमें एक तो काउंटडाउन शो आता था, तो जी काउंटडाउन शो में भी हम कॉमेडी करते थे, तो उसमें म्यूजिकल शो ही था कि कौन कौन से नंबर पे गाने चल रहे हैं। फिर मैंने इंडियन आइडल लिखा था, इंडियन आइडल जब जी 2 सीजन आया था, सीजन 2, और अमन वर्मा और मिनी माथुर ने वो किया था, तो उनके जी लिए एंकर स्क्रिप्ट लिखी थी। और वो नॉन फिक्शन लिखना इतना इसलिए मुश्किल होता है कि उसमें पता नहीं चलता कि राइटर कर क्या रहा है, जिस तरह से हम नॉर्मल जी बातें करते हैं उसी तरह से लिखनी होती है, तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन उसमें भी हमने कॉमेडी की थी उसमें। क्योंकि आप बहुत अच्छे एक्टर भी हैं और स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें से ज्यादा मुश्किल क्या है, एक्टिंग करना है या स्क्रिप्ट लिखना है, और वो भी कॉमेडी की स्क्रिप्ट? सर कॉमेडी स्क्रिप्ट लिखना वाकई मुश्किल काम है, क्योंकि आप जी कॉमेडी के लिए अपने आप को बेवकूफ मान के लिखना पड़ता है, और आपने एक संजीदगी और आपने जितना पढ़ा है वो सब छोड़ करके आप एक पागलपन करने के लिए उतर जाते हो, तो वो ज्यादा मुश्किल काम होता है हमेशा के लिए। जबकि आप जैसे मैं जयपुर में लिख रहा था, तो मैंने बड़े सीरियस प्ले लिखे थे पहले शुरू में। मैंने एक लिखा था बचपन लौटा दो, और बड़ा ही सीरियस था, एक एनजीओ के लिए मैंने लिखा था, और उसमें ये मुद्दा था कि हर बच्चा कहीं ना कहीं अपना बचपन खो रहा है, तो वो सीरियस मुद्दा था वो, तो सीरियस तो मैं लिख रहा था। फिर एकदम से वो जो ब्रेक करके तोड़ के लिखा, तो कॉमेडी में मुझे ज्यादा मजा आया। जी लगातार हम अनुकल्प ये भी देख रहे हैं, अभी जिस तरह का माहौल है, कोविड-19 जो महामारी है वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैल रही है। आपने, मैं अभी आपके कुछ वीडियोस देख रहा था, उसमें आपने कोविड-19 को लेकर भी बहुत अच्छी मिमिक्री की है, खूब अच्छे उसके डायलॉग्स भी लिखे हैं, और लगातार इसको सारे लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक को, विशेष रूप से मैं अभी देख रहा था लाल वाणी जी वाला जो मामला था, जो 10 सालों से क्वारंटाइन में है, और आपने उससे जोड़ के इसको बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया था, तो हम चाहते हैं कि बीच बीच में आप कुछ इस तरह के डायलॉग्स और मिमिक्री भी हमारे दर्शकों को जी जो जी है जी जी अवश्य वो अवश्य। जी बताएं। और लगता है आपकी आवाज, जी हाँ जी में है मैं पिछले 10 सालों से आइसोलेशन में हूं, अगर सरकार बैठने को कहे तो बैठ जाना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और जब मैंने सरकार का कहना मान लिया है तो आप भी मानिए, अगर आप घर बैठेंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे और सरकार के दिशा निर्देशों के हिसाब से चलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, यही मेरी कामना है। जो लालवाणी जी की, जो आपने मिमिक्री की है, जो हाथ आपका अंदाज, जो हाथ घुमाने का अंदाज है, वो वाकई तारीफ के काबिल है। और हम हमारे दर्शकों को बता दें कि जिस तरह हम अभी अनुकल्प गोस्वामी से बात कर रहे हैं, किसी तकनीकी खामी के कारण वो वापस हमसे जुड़ने वाले हैं, तब तक मैं आपको बता दूं, चाहे कपिल शर्मा शो हो, चाहे किस किस को प्यार करूं ये मूवी हो, या कई हमने लगातार जो हास्य की हम देख रहे हैं, उसमें जो अनुकल्प गोस्वामी हैं वो अपने आप में बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं, जो हर समय 24 घंटे आपको हंसा सकते हैं, और लगातार हम सबको जो है वो हंसाते रहते हैं। तो आपने और सर बहुत इसी पे अच्छी, मैंने जैसे जी 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 अनुकल्प तो जी सिंगल था कि आप एक आडवाणी जी को कर रहे हो, इमिटेट कर रहे हो, मैंने दो वाले भी किए कि जैसे मैं जी एक टाइम पे जावेद अख्तर का कर रहा हूँ, और मैं अपने जी सन के लिए, मेरा सन साथ में बगल में बैठा हुआ है और वो
उनकी आवाज कर रहा है अपने हाँ आप फरहान की, बिल्कुल बिल्कुल तो फरहान फरहान की अख्तर आवाज और में मैं ही जावेद करता था। हाँ जी तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे मैं कर रहा था वाला। तो जी जैसे मैंने करा उनका जावेद साहब का, कि फरहान आपसे कुछ कहना चाह रहा है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, दिलों में अपने बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम? नहीं बेटे, सैनिटाइजर से हाथ धो के चल रहे हो इसलिए जिंदा हो तुम, सोशल डिस्टेंसिंग को अमल में ला रहे हो इसलिए जिंदा हो तुम, समझे? टाइट, दिलों में अपने बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम? नहीं बेटे, मैं 7 दिन का राशन एडवांस में लाया हूँ इसलिए जिंदा हो तुम, समझे? टाइट, तो एक साथ डबल रोल पे मैं उसको प्ले कर रहा था, तो एक ही टाइम में बहुत फटाफट खूब दो आवाजें करके ही। वाकई बहुत खूब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो लगातार हमारे दर्शक आपको आज टीवी पर देख भी रहे हैं, आपका चेहरा भी देख रहे हैं, क्योंकि आपका नाम आपके डायलॉग्स तो लगातार सुनते रहते हैं, लेकिन आज सब जो है आपको देखना चाह रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि सब लोग आपका, क्योंकि चेहरा भी फिल्म स्टार वाला ही है, क्योंकि आप, मैं अभी कपिल शर्मा का भी वो देख रहा था, भारती का और कपिल शर्मा का, वो भी यही कह रहे थे कि अनुकल्प जो है बहुत अच्छे टैलेंटेड है, और वो अपनी भड़ास जो है, अब खाली बैठे हुए घर में तो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, क्योंकि वो एक्टर बनने आए थे मुंबई, लेकिन उसको स्क्रिप्ट राइटिंग का काम जो मिला हुआ है, तो उन्होंने भी आपकी काफी तारीफ की थी। तो आप हीरो बनने गए थे और स्क्रिप्ट राइटर हो गए, तो क्या आपने पर्दे में आने की कोशिश नहीं की? सबसे बड़ी चुनौती जब मैं आया था तो जी यही थी कि आप किसी तरह इस शहर में सरवाइव करो। तो सरवाइव करने के लिए था कि जो काम आपको पहले मिला वही मैंने शिद्दत से कर लिया, जी और राइटिंग करना भी अपने आप में एक बड़ा काम था, बहुत चैलेंजिंग काम था, जिसमें आप अपने को भूलकर दूसरे की सीमाओं को समझ के कि इसकी इतनी लिमिटेशन है उस हिसाब से जी आप लिख रहे हो। तो भले आप ह्यूमर हो, चाहे उसके अलावा आप इमोशनल डायलॉग हो, कुछ भी हो, तो जी वो इसलिए मैंने वो चैलेंज लेके राइटिंग करना शुरू कर दिया। और फिर राइटिंग में काम मिलता गया, तारीफ भी मिलती गई। और एक सीधा होता है कि आप, अगर मैं एक्टिंग करता तो शुरुआत में कोई छोटे शहर से कोई आदमी आता है तो बहुत छोटा सा रोल मिलता है, और छोटे जी छोटे रोल के हिसाब से इज्जत भी नहीं मिलती। मैंने देखा शुरू में आने के बाद, एक तो छोटे रोल मैंने भी किए थे, तो जब आप किसी बड़े स्टार के साथ खड़े होते हो किसी सीन में, तो वो आपको ऐसे नहीं जी बोलते कि अनुकल्प आप थोड़ा सा इधर घूम जाओ, तो वो बोलते हैं अरे पीली शर्ट थोड़ा सा इधर हो जाओ, तो बड़ी बेइज्जती होती है, बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि यार क्या हुआ। लेकिन जब आप राइटर बन के चले जाते हो आप, तो वही चार एक्टर बैठ करके आपकी बात सुनते हैं, डायरेक्टर भी आपको सुनता है, तो एकदम से बड़ी इज्जत मिलती है। तो जब मैंने देखा कि इतनी इज्जत राइटिंग में मुझे ज्यादा मिल रही है, तो क्यों ना मैं पहले राइटिंग ही करूँ। तो अब राइटर बनने के बाद जब मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ, तो अपने आप इज्जत मिल रही है कि यार एक राइटर है और इतना कॉमेडी इतना अच्छा लिखता है, उसके बाद ये एक्टर भी है, तो लोग अलग ढंग से उसको जी देख रहे हैं। निश्चित तौर पर लगातार आप एक्टिंग में भी माहिर हैं, ये हमें अभी कुछ दिन पहले ही पता चला है, और कपिल जी ने भी आपकी तारीफ की, इस पर भारती ने भी आपकी तारीफ की, और कई जी 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 बॉलीवुड के जो लोग हैं वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपकी एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग की तो तारीफ करते ही रहे, लेकिन एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और मैं लगातार ये भी देख रहा था कि आप, क्योंकि अभी रामायण महाभारत काल वापस से शुरू हो गया है टीवी पर, तो उसमें आपने एक दारा सिंह की, हनुमान जी की बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी, सीना फाड़ कर आपने दिखाया था। जी तो जी जी वो और एक हम लोग जो आपने शुरू वापस कर दिया था, अशोक कुमार जी अशोक का, कुमार जी की, तो वो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को वो भी जो है दिखाएं करके। तो शुरुआत में जब मैंने पहली बार मिमिक्री स्टार्ट की थी, तो जॉनी जी भाई का, जॉनी लीवर साहब का कोई वीडियो वो या ऑडियो सुना था मैंने, तब मुझे जी अशोक कुमार की सबसे पहले मैंने आवाज पकड़ी थी। तो फिर हमने जब ये चल रहा था, वापस से शुरू हुआ रामायण, तो मैंने एक जी प्रोग्राम बनाया कि जैसा कि आप लोग जानते हैं इस वक्त शुरू हो गई है रामायण, तो उसी तर्ज पर हम भी शुरू कर रहे हैं। हम लोग छुटकी वॉक पे निकल गई है, बड़की जिम निकल गई है, और दादी वो तो 3 साल पहले निकल गई। अगर आप लोग इसी तरह घर से बाहर निकलते रहेंगे, लॉकडाउन को तोड़ते रहेंगे, अगर नहीं करेंगे आप लोग लॉकडाउन का पालन, तो कैसे कर बचेंगे हम लोग? ऐसा कुछ था अशोक बहुत कुमार बढ़िया का। बहुत बढ़िया। तो आपने एक संदेश भी दे दिया, मिमिक्री भी कर दी, और महान कलाकार अशोक कुमार की याद भी हम सब के लिए ताजा कर दी। यहाँ पर मैं हनुमान जी वाली एक और मैं देखना चाह रहा था, बड़ा जबरदस्त था, आप चाहे सीना तो मत नहीं फाड़े, अभी कोई दिक्कत नहीं है। उनका एक बड़ा मजेदार था दादाजी का, दारा सिंह जी, जो कि जी मतलब पंजाबी हिंदी बोलते थे, तो उनका पंजाबी एक्सेंट हमेशा आता उनका, फुट, बिल्कुल बिल्कुल पंजाब, तो
जैसे हमारे शो में भी कपिल शर्मा शो में भी हाल ही में आके गए थे पूरी रामायण की टीम, जी तो इनसे बड़ा मिलने का अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम बात कर रहे थे तारा सिंह जी का, मैंने जी बनाया था वो कि मैं हूँ प्रभु का भक्त, मैं आज रात को 9 बजे दिए जला रहा हूँ, आप भी जला रहे हैं कि नहीं? पिछली बार जब आपको घंटी बजाने के लिए बोला गया था, आप लोग सड़कों पर निकल आए थे, ऐसा हरगिज ना करें। और सबसे बड़ी बात, घी तेल में मिलावट करने वाले को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ये भारत माता का पर्व है, इसलिए ये इस सबकी सुरक्षा के लिए है। और बी पॉजिटिव, कभी कभी हनुमान जी इंग्लिश भी बोल लेते हैं, ऐसे करके इम्प्रोवाइज करते हैं कुछ। आपने लिखे हैं और हमने ये भी सुना है कि आपने जो ये स्क्रिप्ट लिखी थी, ये अक्षय कुमार को सोचकर लिखी थी, जी 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 ये कितना सही है, इसके पीछे क्या कहानी रही? क्योंकि अक्षय कुमार उस वक्त ऐसी फिल्में कर रहे थे, उनकी गरम मसाला आई थी और वो इतने वर्सेटाइल एक्टर हैं उस मामले में कि वो गाने में भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, डांस भी अच्छा कर लेते हैं, टाइमिंग भी उनकी जी अच्छी है कॉमेडी को लेकर। तो उनको ध्यान में रखकर ही मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि किस तरह से डेस्टिन लेकर के जाएगी। फिर मैं कॉमेडी नाइट तो कपिल का एक पार्ट बन जाऊंगा और कपिल से इतने अच्छे जी ताल्लुकात हो जाएंगे। तो फिर कपिल से मुलाकात हो गई और मैं पहले से ही अब्बा मुस्तान साहब के लिए कोई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना सर आप एक कॉमेडी करें ऐसी। तो अब्बा मुस्तान साहब को भी आइडिया पसंद आया और फिर कपिल से मेरे रिलेशन अच्छे थे, कपिल को मैंने स्क्रिप्ट सुनाई वाली और कपिल ने पहली बार सुन के पसंद कर लिया कि यार मुझे ये रोल करना है, क्योंकि पूरी तरह आउट एंड आउट जी वो कॉमेडी थी और वो कैरेक्टर ऐसा ही था कि वो हर जगह बोलता चल रहा है, इतना फास्ट कैरेक्टर था कि या तो गोविंदा कर सकता था एक टाइम पे, अक्षय कुमार कर सकता था या फिर कपिल ही कर सकता था। जी 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 नहीं, वाकई हम खुद ने वो पिक्चर देखी थी, बहुत ही शानदार कॉमेडी मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी और कपिल शर्मा ने भी उसमें बहुत अच्छा रोल जो है उसका एक किरदार निभाया था। रिकॉर्ड बना जी बॉलीवुड में, किसी भी डेब्यूटेंट के लिए इतनी बड़ी ओपनिंग जी को नहीं मिली आज तक जो कपिल को निश्चित मिली थी तौर उस फिल्म के लिए। नहीं, बिल्कुल, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम यहाँ पर एक और चीज में देख रहा था, आपकी जब प्रोफाइल देख रहा था, आपका जब फेसबुक प्रोफाइल चेक कर रहा था, तो उसमें मुझे लगा कि आप छोटी छोटी चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, फोकस आपका बहुत जबरदस्त रहता है, वो वाकई काबिले तारीफ है, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। एक, क्योंकि आजकल पत्रों का सिलसिला जो है खत्म हो गया है, हम एक दूसरे को खत जो है नहीं लिख पाते हैं क्योंकि व्हाट्सएप मोबाइल हाँ इनके चक्कर में। आपने एक पुराना लेटर बॉक्स था रेड कलर का, उसके पास अपनी फोटो खिंचवाई और उसमें लिखा था आपने बहुत अच्छा कि जो पत्र हैं अब नहीं आ रहे हैं, संदेश के बारे में आपने कुछ कोटेशन भी डाल रखा था। तो आपको आज भी किसी के पत्र का इंतजार है क्या, जो किसी ने पोस्ट किया हो अब तक नहीं पहुंचा हो आप तक? किसी ने मुझे मेरे लिए लिखा हो आपके लिए किसी ने लिखा हो और आपको इंतजार हो, आप उस लेटर बॉक्स के पास बैठे हो, वो पत्र अभी तक पहुंचा नहीं आपके पास जिसका आपको इंतजार नहीं था? पहुंचा सर, मैं मुझे तो एक था कि बच्चन साहब से कभी लेटर मिल जाए कोई एक। बच्चन साहब बहुत अच्छा सा अपनी हैंड राइटिंग में लिख करके अपने फैन को या चाहने वाले को या कोई बंदा अच्छा परफॉर्म करता है तो बच्चन साहब एक जी लेटर लिख करके देते हैं उसको। तो मुझे यही उम्मीद है कभी जीवन में कोई मैं अच्छा काम करूं और उनकी तरफ से वो लेटर मुझे मिल जाए। जी हमारी बिल्कुल शुभकामनाएं कि आपको जरूर अमिताभ बच्चन जी की तरफ से जल्दी पत्र मिले और आप उनके लिए भी स्क्रिप्ट जो है वो लिखें। मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूं कि जो 14 फरवरी की आपने बात कही, जिसमें आपने ये भी कहा, मैंने आपके वीडियो भी देखा था, मेरे पास सबूत भी है वो, जिसमें आपने कहा था कि आपकी सबसे बेस्ट जो गर्लफ्रेंड है वो आपकी धर्म पत्नी है, आपकी पत्नी है, जी। तो ये आपने किसके दबाव में कहा था? वो पीछे से जो चाकू दिख रहा था उसके दबाव में कहा था या क्या मामला क्या था ये? देखो अभी लॉकडाउन चल रहा है दीपक जी जी और पूरी तरह बीवी के साथ बंद हूँ, आप ऐसा सवाल करके मतलब जान सकते जी हैं मैं कितने खतरे में आ सकता हूँ। इसलिए जी तो बीवी से बहुत प्यार है, बीवी ही बेस्ट फ्रेंड है, बीवी ही सब कुछ है। नहीं, ये ये वाकई सवाल सच का है जवाब या आपको लॉकडाउन में अगर फिर मैं घर से बाहर होता तो फिर भी मैं थोड़ा सा पता सकता। इस वक्त निश्चित लॉकडाउन रूप में से मैं किसी तरह का कोई
पंगा लेना नहीं चाहूंगा श्रीमती जी से। बिल्कुल और उस बिल्कुल, वाले हम भी वीडियो में चाहते मैंने हैं। दिखाया था उन्होंने चाकू लगा रखा पीछे। हाँ, वही वही उसी का राज पूछ रहा हूँ कि उस वजह से था या वाकई था। नहीं, मेरी वाइफ का भी सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है और वो जी चीजों को बहुत अच्छे से लेती हैं, जितने ही पंच होती है। और वो मानती है कि हस्बैंड वाइफ में ही तो एक सबसे बड़ी चीज है कि एक दूसरे पे हम कॉमेडी कर सकते हैं, और हस्बैंड वाइफ को बड़ा बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, वरना लाइफ में क्या है बड़ा रूखापन आ जाएगा और एक बड़ी मोनोटोनी सी हो जाएगी। इसलिए वो हम लोग आपस में एक दूसरे में मजाक करते रहते हैं सर। और मेरे सब लोगों से यही है कि अभी तो इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है तो आपस में जी परिवार में जितना हंसी मजाक कर सकें सब लोग उतना बहुत अच्छा है, क्योंकि हंसी मजाक से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर से आपने बहुत अच्छी बात कही अंकल, कि पत्नी को ही अपना दोस्त माना चाहिए और उससे एक हंसमुख जो स्वभाव है, क्योंकि देखिए जो कॉमेडी लिखता है ना वो हमेशा खुश रहना चाहिए और खुशी भी उसके अंदर से होनी चाहिए, तब जाकर वो बाहर अपने शब्दों में उसको पिरो सकता है। तो निश्चित तौर से अभी क्योंकि जल्दबाजी में मैं भी आपके शो के लिए बैठना था, तो ये मैंने जो टी शर्ट पहन रखी है ये आगे आगे से मैंने प्रेस की है, जल्दबाजी में पीछे से नहीं कर पाया क्योंकि आप तैयार हो गए थे इसलिए। मैं पीछे से नहीं दिखा रहा हूँ, आगे से बैठा हूँ इसलिए, क्योंकि आगे से प्रेस की हुई है तो पीछे से नहीं की हुई है। तो ये भी अपने आप में एक हास्य का, तो इस तरह की छोटी छोटी जो चीजें होती हैं इससे हमारे जीवन में खुशियां आती हैं और खुशियां हम किसी को दे भी सकते हैं। अब लगातार बात चल रही है क्योंकि हम ये जानना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन के आप फैन रहे हैं, आप उनके लिए भी स्क्रिप्ट जी सर, लिखना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग और उसके बाद में आपके आने वाली फिल्में या टीवी सीरियल्स जो हैं उनके बारे में कुछ बताइए। सर आने वाली फिल्मों में अभी मैं डायरेक्शन में ट्राई करना चाह रहा हूँ और मैंने जी उसके लिए फिल्म लिख ली है, कंप्लीट है, और उसके लिए मैं प्रोडक्शन हाउस में भी मेरी बात चल रही है, वीनस में बात चल रही है और एक दो प्रोडक्शन हाउस और है, और जी कास्टिंग को शायद हो सकता है कि कपिल ही कर रहे हैं वो रोल, अगर कपिल किसी वजह से नहीं कर पाते हैं तो फिर दूसरे कलाकार को सोचेंगे, लेकिन मैं डायरेक्शन में ही तैयारी कर रहा हूँ और राइटिंग के साथ साथ मेरा नेक्स्ट स्टेप एक फिल्म, अपनी ही फिल्म डायरेक्ट करने का होगा, कॉमेडी फिल्मिंग होगी वो, तो उसमें मैं अभी लगा हूँ सर। और सर बताएं आप। कि अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग जब तक नहीं होगा तब तक ये कार्यक्रम अधूरा हम मानेंगे, तो एक चलते चलते आप अमिताभ बच्चन का डायलॉग हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। बच्चन साहब का डायलॉग, जी बच्चन साहब में थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है सर, आपने एकदम से बोल दिया तो मैं हमको पता है कि आप वो शराबी वाला भी डायलॉग मार सकते हैं, आप दूसरे भी डायलॉग दे सकते हैं। हाँ शराबी फिल्म का ना जी थोड़ा टाइम ले लेता हूँ, सोच लेता हूँ सर, कुछ और कर दूँ तब तक, मुंशी कुछ और कर लीजिए, मुंशी मुंशी बच्चन जी वाला कर लीजिए, कोई साहब और दूसरा। राजेश खन्ना का कर देता हूँ सर, वो चलिए भी पहले मोस्ट सुपरस्टार वेलकम। है, पुष्पा जी जी बिल्कुल बिल्कुल इन आंसू को पोंछ डालो पुष्पा, आई हेट टीयर्स, कितनी बार तुमसे कहा मैंने पुष्पा, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, अरे दुनिया भी अजीब है, जिनकी आंखों में खुशियां ढूंढनी चाहिए उन्हें आंसू दे देती है सर। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब अंकल, आप हमारे साथ जुड़े और चलते चलते हम ये कहना चाहेंगे कि आप हम या कोई भी हो उनकी आंखों में आंसू जो है वो अच्छे नहीं लगते, और चलते चलते आप सिटी लाइव के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे। एक तो नाम ही बहुत अच्छा है सिटी लाइव, कि हमेशा आप लाइव रहें, जिंदा हैं तो इस बात को फील करें, खुश रहें, और जैसे जी राजेश खन्ना साहब का एक डायलॉग था कि हमारे सबसे बड़ी मुसीबत ही होती है कि हम आने वाले कल के गम को खींच के आज में ले आते हैं और हम आज को और वर्तमान को भी उस चक्कर में खराब कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप आज में जी करके देखिए और आज बहुत खूबसूरत है, अगर आज हम लॉकडाउन में भी इस तरह से सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन जी जो है सिर्फ बाहर लॉकडाउन है, हमारी क्रिएटिविटी पे कुछ भी लॉक नहीं है, आप नई चीजें कीजिए जो जीवन में नहीं कर पाए वो सब कीजिए, खुश रहिए, और आपके साथ इतने बढ़िया एंकर है हमारे दीपक जी, आप इतने बढ़िया चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, मस्त रहिए, खुश रहिए, यही मेरी कामना है, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अंकल जी, आप हमारे साथ जुड़े और हम उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाली बड़ी पर्दे की फिल्में हों चाहे छोटे टीवी सीरियल्स हों, हम लगातार यूं ही देखते रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अमिताभ बच्चन और बड़े बड़े स्टार्स के साथ आप अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग करें और आप अपने शब्दों का जो जलवा है वो हम सबके सामने रखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद अनुकल्प गोस्वामी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स।